बाबर करके एक ओडिया मूवी आ रही है, ठीक है, और इसका ये कोई ट्रेलर या टीजर नहीं रिएक्ट करने वाला हूं मैं आज, ना ही ग्लिम्स। ये एक नई चीज है जो कि है फर्स्ट शोकेस, मतलब मेरा चैनल का पहला फर्स्ट शोकेस वीडियो होगा, ठीक है। फर्स्ट शोकेस का मतलब ये होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, मतलब कि ये टीजर से भी बहुत छोटा होता है, ग्लिम्स से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसका बीच का पार्ट ही होगा जो मेन देखने लायक होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मुझे मैंने गूगल किया तो हाँ कहीं ना कहीं ये था, और दूसरों ने भी इसको रिएक्ट किया हुआ था, तो मैंने दूसरे के रिएक्शन की टाइमिंग देखी, बहुत छोटी है, तो इसका मतलब इसका कुछ यही होगा कि बीच में कुछ होगा कंटेंट, पीछे का और आगे का, अगर तुम उड़ा दोगे तो इतना सा रह जाएगा, इतना सा, ठीक है। फर्स्ट शोकेस है ये, बाबर मूवी का नाम होने वाला है, बाबर नहीं है, बाबर PABAR, और इसमें बाबूशान मोंटी सर होने वाले हैं। सो या तो डायन करते हैं, 3-4 की मैं ही, इन 3-2-1 गो, देखते हैं, मजा आएगा बहुत ज्यादा। ओके, ड्रोन शॉट शुरू में, खूबसूरत लग रहा है। क्या हुआ, फील करो इमोशंस, ठीक है, मैं भी फील ही करता हूँ, क्योंकि डायलॉग्स नहीं होंगे इसमें। जमीन बंजर पड़ी है ना, किसानों के ऊपर मूवी होगी और बहुत हार्ड टचिंग मूवी होगी। टीजर सून, जल्दी ही टीजर आएगा, एंड बहुत हार्ड टचिंग मूवी होगी, बहुत, मतलब वो जिस तरीके से उन्होंने, मतलब पहले पाबर कहा, क्योंकि पाबर मतलब रो कर, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब छो गया, ठीक है, मतलब इमोशंस बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने डाइवर्ट किए, ठीक है। तुम भी अगर दिल से सुनोगे, दिल से सुनोगे, कान से तो तुम सुन ही रहे हो, वो एक अलग चीज है, दिल से सुनो, ठीक है, तुम्हें लग रही होगी बस फिल्मी बात लग रही होगी, लेकिन नहीं, हेडफोन्स लगाए ना मैंने, तो वो एको कर रही है ना, तो भयंकर ऐसा लग रहा है, पूरी साउंड ऐसे होते हुए एंड दिल तक जा रही है। सो या मतलब इन्होंने जिस इमोशन के साथ चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं, वो कुछ उसे पाना चाह रहे हैं, वो कुछ, लेकिन फिर जैसे ही सीन स्विच होता है, वो एक बंजर जमीन पर लेटे हुए हैं। क्या किसानों के ऊपर मूवी होगी, क्योंकि सीन स्विच ही इस तरीके से हुआ है कि पेड़ है जिसका सिर्फ तना तना रह गया है, ऊपर का पेड़ किधर है मुझे नहीं पता, और मूवी को वालों को भी नहीं पता होगा शायद, और चारों तरफ की जो जमीन है वो बंजर पड़ी है, सूखी पड़ी है, दरारें आ रहे हैं उसमें। सो किसानों के ऊपर होगी, बारिश के ऊपर होगी, पानी के ऊपर होगी, जल के ऊपर होगी, मतलब समझ रहे हो ना, किसानों के ऊपर होगी, किसानों के लिए बारिश जरूरी होती है, और अगर बारिश ना पड़े, अगर किसानों किसान जहां खेती करता है वहां पर, तो बस हो गई, फसल भी खत्म, उसका जीवन भी खत्म, क्योंकि उसे खाने को नहीं मिलेगा, अगर फसल नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, मतलब वो बेच नहीं पाएगा, और बेच नहीं पाएगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो वो अपने घर वालों को और खुद को खिला नहीं पाएगा, पेट नहीं भर पाएगा, पेट पाल नहीं पाएगा, एंड सो ऑन चीजें हैं। सो अगर इस इमोशंस पर मूवी होने वाली है, बिग थम्स अप, मजा आएगा, होप हिंदी में भी आए मूवी, होप पैन इंडिया मूवी हो, और टीजर जल्दी आएगा जैसे कि उन्होंने लिख दिया, एंड बस बाकी इतना ही था, बाकी तुम जरूर से अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नजरिया इनबॉक्स में लिखकर बताओ, आगे मैं चलता हूँ, एक अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।